गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, स्पोकन इंग्लिश में आज हम पैराग्राफ राइटिंग करेंगे और आज का आपका पैराग्राफ का टॉपिक है माय फेवरेट फेस्टिवल। पैराग्राफ मींस आपको किसी भी टॉपिक पे 10 या कुछ लाइंस लिखनी है, या आप पैराग्राफ टाइप भी लिख सकते हो, लाइंस में भी लिख सकते हो नंबर डाल के। तो आपका जो भी फेवरेट फेस्टिवल है, जैसे मैंने आज होली के बारे में लिखा है, तो उसको हम डिस्क्राइब करेंगे। होली इज़ माई फेवरेट फेस्टिवल। होली जो है मेरा, होली मेरा सबसे मनपसंद त्यौहार है। इट इज़ द फेस्टिवल ऑफ कलर्स, और ये रंगों का त्यौहार है क्योंकि इसमें गुलाल रंग वगैरह डाले जाते हैं। इट इज़ सेलिब्रेटेड इन स्प्रिंग सीजन, ये वसंत के मौसम में आता है। इट फॉल्स इन द मंथ ऑफ मार्च, ये मार्च के महीने में आता है। होली इज़ प्लेड ट्रेडिशनली विद गुलाल एंड कलर्स, और होली को पारंपरिक रूप से गुलाल और कलर इनसे मिल मनाया जाता है। पीपल गो टू देयर फ्रेंड्स एंड रिलेटिव प्लेस, लोग अपने दोस्तों के और रिश्तेदारों के घरों में जाते हैं। पीपल इन्जॉय दिस फेस्टिवल वेरी मच, और लोग इस त्यौहार को बहुत इन्जॉय करते हैं। दे प्ले विद पिचकारी एंड बैलून, पिचकारी और बैलून, जैसे पिचकारी में देखिए कलर भर के डालते हैं एक दूसरे पर, गुब्बारों में डालते हैं। दे थ्रो कलर्स ऑन अदर्स, वे दूसरों पर कलर डालते हैं। पीपल इन्जॉय स्वीट्स, चाट, गुजिया एक्सेट्रा, और कई तरह की मिठाइयाँ भी बनाते हैं, खाते हैं, जैसे गुजिया और चाट वगैरह। होली इज़ द फेस्टिवल ऑफ जॉय, और कुल मिलाकर होली जो है खुशियों का त्यौहार है, इसलिए ये त्यौहार मुझे बहुत अच्छा लगता है। इस तरह से आप किसी भी टॉपिक को डिस्क्राइब करके उसको पैराग्राफ के रूप में लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अंडरलाइन एडजेक्टिव। एडजेक्टिव पे आपको अंडरलाइन करना है। एडजेक्टिव आपको पता ही होगा, विशेषण होते हैं जो कि संज्ञा या सर्वनाम आदि की विशेषताएं बताते हैं। वी सॉ मैनी एनिमल्स इन द जंगल, जंगल में हमने बहुत सारे जानवर देखे, तो इसमें हमारा एडजेक्टिव क्या है, मैनी, क्योंकि बहुत सारे जानवर हैं। आई हैव पैक्ड टू बोटल्स ऑफ वाटर, हमने पानी की दो बोतलें ली, कितनी बोतलें ली, दो, तो हमारा एडजेक्टिव क्या है इसमें, टू। दिस फ्लावर इज ब्यूटीफुल, ये फूल बहुत सुंदर है, ब्यूटीफुल। लायन इज ए डेंजरस एनिमल, शेर एक खतरनाक जानवर है। स्मोकर्स डू नॉट लीव ए लॉन्ग लाइफ, जो स्मोकिंग करते हैं वो ज़्यादा लंबी जिंदगी नहीं जीते, लॉन्ग। द डायमंड इज एन एक्सपेंसिव वन, हीरा जो है बहुत कीमती होता है। वेदर इज वेरी बैड नाउ डेज, आजकल मौसम कैसा है, बैड। द फॉक्स इज ए क्लेवर एनिमल, इज वर्क इज ऑलवेज नीट, उसका काम हमेशा साफ रहता है। द बुक इज रियली इंटरेस्टिंग, ये किताब सच में बहुत क्या है, रोचक, रुचि वाली। अबे फील विथ सूटेबल इंटरजेक्शन, ये इंटरजेक्शन में आपको इनमें फील करनी है, वाओ, हेलो, आउच, हुर्रा, कॉन्ग्रेचुलेशन। डैश आई हैव हर्ट माई सेल्फ, वी हैव वन द कॉन्टेस्ट, यू हैव कम फर्स्ट इन स्कूल, यू लुक हैंडसम इन दिस ड्रेस, हाउ आर यू। तो इसमें से आपको देखना है कि कौन सा इंटरजेक्शन कहाँ पे लग सकता है। ये नंबर वन पे आएगा हमारा आउच, वी हैव वन द कंटेस्ट। नंबर टू इसमें फिल करेंगे, यू हैव कम फर्स्ट इन स्कूल, यू लुक हैंडसम इन दिस ड्रेस, ये हमारा नंबर फोर है। हाउ आर यू में हेलो, नंबर फाइव है हमारा, कौन सा बच्चा है, वन, फाइव, फोर और टू हो गया, यानी कि हमारा नंबर थ्री जो है, यू हैव कम फर्स्ट इन स्कूल, हुर्रा। इस तरह से इंटरजेक्शन आपको फिल करनी है। थैंक यू।